मेरा नाम मोनरू शेख है, वही मैं वेस्ट बंगल से। तो क्या क्लास हुई आप थोड़ा बताइए? कैपेसिटर के फर्स्ट क्लास है, कंपोनेंट के फर्स्ट क्लास देने। कंपोनेंट वन की क्लास? हाँ। कैसी रही? हाँ, बहुत अच्छा रही। बहुत अच्छा? बहुत अच्छा मतलब? बहुत अच्छा, मैं कैपेसिटर थर्मिस्टर सब दो मिनट में चेक करके बता सकता हूँ कि उसका क्या वैल्यू आता है, वो ख़राब है कि सही है। जी बताइए, आज के जो क्लास हुआ उसमें कोई आपको थोड़ा सा भी डाउट है क्या? नहीं सर। क्यों डाउट नहीं है? नहीं सर, आज प्रैक्टिकल किया है, जो अच्छा जो थ्योरी आपको बताएगा आप उसी का प्रैक्टिकल किए हैं। हाँ। तो अभी कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी मुझे बताइए क्या क्लास थी आपकी और आज कौन सा डे है? आज फर्स्ट डे है, देव सर के साथ क्लास थी जी। प्रैक्टिकल हुआ है अभी सिर्फ, तो इसकी क्लास थी कम। तो थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल हुआ है? जी सर। तो ये ठीक है या गलत कर रहे हैं? नहीं सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं फ्रेशर हूँ, मैंने आज से पहले कभी काम तक नहीं किया है। जो पहले दिन से पहले आपने कभी काम नहीं किया? एसएमडी भी नहीं पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा है जी, पहले दिन ही मुझे सब दिख रहा है कि तो आपको तो ये क्लास सारा ऊपर से जाना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे पूरा समझ आया। समझ आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल इजीली तरीके से, बिल्कुल इजीली तरीके। उसी का आप जो थ्योरी बताया आप उसी का प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं? जी सर, प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मैं पूरा फोकस के साथ कर रहा हूँ जी। तो मतलब आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना? जी सर। मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे आए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई मेरा पैसा वेस्ट गया है ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, फर्स्ट दिन में इतना सब चीज़ मिल रहा है आपको? जी सर। अभी तो आपके सारे पूरे दिन बाकी हैं। जी सर। क्या नाम है जी आपका? हेलो, मेरा नाम प्रसाद है, पुणे महाराष्ट्र से हूँ मैं। प्रसाद जी, प्रसाद जी मुझे बताइए क्या क्लास थी आपकी? आज कंपोनेंट टेस्टिंग की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास थी? यस। किसके साथ थी क्लास आपकी? देव सर के साथ। देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट वन की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अच्छी तो रही है ना? यस। मगर आपको समझ में आया कि नहीं? सब समझ में आया। सब समझ में आया? सब समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप पूरा पूरा, कि उसको देखने का कैसा होता है, रजिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है। हाँ, सब है समझ में आया। कैपेसिटर क्या होता है, उसकी वैल्यू कितने, वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू कैसे ट्रेसिंग किया जाता है उसको। सब समझ में आया। सब समझ में आया। यस। तो मुझे बताइए आज की क्लास में आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट है क्या? नो सर, पूरा डाउट क्लियर है। डाउट क्लियर है? क्यों डाउट क्लियर है? पूरा समझ से बोले सर, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहता है ना? ऐसा तो नहीं कि भाई खाली थ्योरी पढ़ा दिए बस? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज साहू है। मैं जी पंकज साहू। पंकज जी आज क्या क्लास थी आपकी? आज हमारी कंपोनेंट वन की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास समझ में आया है आपको? अच्छे से। अच्छे से? बहुत अच्छे से। क्या क्या पढ़ाया गया आज? आज हमें कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एकदम अच्छे से पढ़ाया गया। उसको कैसा मापा जाता है, कैसा है उसका वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है उसका, तो आज आपको सारा चीज़ बताया गया, तो आपको सारा समझ में आया? सारा एकदम इतना आसानी से समझ आ रहा है अब कि क्या बताएं। पहले मन में ये डर रहता था कि हो पाएगा कि नहीं, अब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम एकदम सही जगह आए हैं। सही जगह आए हैं, ऐसा तो नहीं कि पैसा वेस्ट जा रहा है? नहीं नहीं, ये पहले ही दिन हमें आके पता चल गया कि अच्छा आपका पहला दिन है आज? आज हमारा पहले दिन में इतना सब चीज़ मिल गया। तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई मैं अभी फर्स्ट दिन में इतना सारा चीज़ मिल गया, तो अभी पूरे दिन बाकी हैं, तो क्या लेके जाने वाले हैं आप? हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत कुछ सीख के जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बलराम कुमार है और मैं बिहार से हूँ। बलराम जी आज क्या क्लास थी आपकी? जी आज कंपोनेंट आई डिफेंटेंस की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास? जी। किसके साथ थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट वन की क्लास? जी। तो क्या बताया गया उसमें आपको? आज ये कंपोनेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह से पहचानना है हमें जी, इसके बारे में बताया गया। वो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, थर्मिस्टर क्या है, सेंट रजिस्टर क्या है, थर्मिस्टर आप थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे जी, आप? जी जी। कैसे ढूंढ पाएंगे? उस जिस तरीके से बताया गया उसी के आधार पे। ऐसा तो नहीं कि भाई खाली डायग्राम खोल के बैठना पड़ेगा उसके लिए? बिना डायग्राम से बता, विदाउट डायग्राम ढूंढ पाएंगे बिना डायग्राम, इजीली तरीके से? इजीली तरीके से। तो आज के जो क्लास हुआ आपका, तो ऐसा तो नहीं कि भाई खाली थ्योरी बता दिए? नहीं नहीं नहीं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे ज्यादा। उसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं? उसी का पहचानने का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, जिसे बेसिक पे बताया गया से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो प्रैक्टिकल कराते हैं तो ये सही करते हैं या फिर क्या? नहीं सही करता हूँ जी। सर ने क्लास दिए वो आपको समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया। क्या क्या बताया गया थोड़ा आप बताइए? हमें कैपेसिटर, रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, इस चीज के सब चीज के बारे में बताया गया।
जी, और थर्मिस्टर आप निकाल पाएंगे? जी। कितने टाइम पे ढूंढ पाएंगे सर? थर्मिस्टर हम 20 से 25 सेकंड में ढूंढ पाएंगे। 20 से 25 सेकंड में ढूंढ लेंगे? बिल्कुल। लोगों को तो डायग्राम की जरूरत पड़ती है ना? विदाउट डायग्राम हम ढूंढ सकते हैं। आप विदाउट डायग्राम ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल। तो इतना नॉलेज, इतना इससे पहले क्या था आपको, था क्या? सर हम कुछ नहीं जानते थे इससे पहले। इससे पहले कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते थे। और अभी? अब सर कैपेसिटर रजिस्टर के बारे में। पहले ही दिन में इतना सब चीज कर पा रहे हैं आप? जी पहले दिन में कर पा। तो आपको क्या लगता है कि आज मैं पहले दिन में इतना सब कर पा रहा हूँ? अभी आपके तो पूरे पूरे दिन बाकी हैं आपके। जी सर बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत कुछ सीख के जाएंगे सर। तो आज का क्लास जो हुआ उसमें कोई डाउट है क्या आपको? सर मुझे कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, जितना बताया गया था उतना मैं सब कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है आज का? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर। नो डाउट? नो डाउट। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गौस है, आंध्र प्रदेश से आया हूँ जी। गौस, मेरा नाम गौस है, आंध्र प्रदेश से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से हैं आप? मुझे बताइए, आप आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश आए हैं तो क्या सीखने को मिला है आज? आज तो देव सर के साथ कंपोनेंट्स का फर्स्ट डे का क्लास हुआ था। कंपोनेंट वन का क्लास? यस। और आपका एशिया टेलीकॉम आप फर्स्ट दिन भी है आज का, है ना? हाँ, तो आपका जो क्लास हुआ कैसा, समझ में आया आपको? हाँ पूरा समझ में आया, कुछ है तो भी पूरा प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दिया जाता है, जो थ्योरी आपको बताई जाती है उसी का आप तुरंत प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट बचता है क्या? नहीं, थोड़ा भी डाउट नहीं बचता, पूरा क्लियर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मधुर है, मैं यूपी से हूँ। मधुर जी? मधुर जी मुझे बताइए, आप यूपी से हैं जी, तो इससे आज आपकी कौन सी क्लास थी आप ही बताइए? जी मेरी कंपोनेंट वन की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास जी। कौन सा दिन है आपका? जी मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे आपका एशिया टेलीकॉम में, और आपका कंपोनेंट वन की क्लास हुई, किसके साथ हुई? जी सर के साथ हुई, सर ने। देवरत्न सर के साथ? के साथ हुई। तो कैसी गई, समझ में आया आपको? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं ऊपर से चला गया हम आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि भाई लाइव में बोलो आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले थ्योरी करवाएगी, अब प्रैक्टिकल हो रहा है हम लोगों का। सबसे पहले थ्योरी हुआ उसी के बाद आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी? तो थ्योरी के बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कोई डाउट बचता है क्या? जी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं आप थ्योरी के बाद तो उसमें पूरा आप खुद अपने हाथों से ट्रेसिंग करते हैं। जी जी प्रैक्टिकल में सब क्लियर कर देते हैं। प्रैक्टिकल में सब क्लियर कराया जाता है। तो मुझे बताइए आज का जो क्लास हुआ उसमें कोई जरा सा भी डाउट है क्या आपको? जी नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया सर ने। जी चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है, और मैं नेपाल से। मुस्तफ़ा खान जी, मुझे बताइए आप कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से। नेपाल से हैं आप भी? मुझे बताइए कि आज की क्लास कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। क्या क्लास थी आज? आज हमारी एमएमसी रिबॉलिंग और कंपोनेंट्स की क्लास थी जी, कंपोनेंट वन की क्लास। यस। तो अभी आपको कोई आज की क्लास में से कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, नहीं, थोड़ा सा भी? थोड़ा सा भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खाली जबरदस्ती बोल दी है आप? नहीं। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि इस तरह पढ़ाए देव सर ने, जो दिमाग में पूरा आ गया है। और आप उसी के थ्योरी के बाद आप तुरंत प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं अपने हाथों से खुद ट्रेसिंग कर रहे हैं जी। तो मुझे बताइए आज का जो क्लास हुआ उसमें कोई जरा सा भी डाउट? नो डाउट जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है, कर्नाटक से। दानिश जी क्या कर रहे हैं आप? रजिस्टर और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई उसको ट्रेसिंग कर रहे हैं आपकी क्या वैल्यू होता है क्या। तो आज आपकी क्या क्लास थी? कंपोनेंट वन की क्लास थी। तो मुझे बताइए आज आपको क्या क्या पढ़ाया गया और आप क्या ट्रेसिंग कर रहे हैं? रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप जी? जी। तो डायग्राम से ढूंढेंगे? विदाउट डायग्राम। तो सर ने क्या ऐसा क्या दे दिया आपको, कोई घुटी पिला दी क्या? नहीं नहीं, ट्रिक्स दिए हैं। ट्रिक दिए हैं कि कैसा उसको विदाउट डायग्राम ढूंढ सकेंगे आप? कितने मिनट में ढूंढ पाएंगे? एक डेढ़ मिनट में ढूंढ लेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे बताइए आज जो आपका क्लास हुआ और आप अभी प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको कोई डाउट बचा है क्या? नहीं नहीं, कुछ डाउट नहीं बचा। ऐसा तो नहीं कि आप डाउट लेके बैठे हैं नहीं, और फिर जबरदस्ती बोल नहीं, रहे हैं? सारे डाउट सर ने क्लियर करे। सर ने क्लियर किए जी, जी। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कराया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी दिया जाता है उसी का आप तुरंत प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है जी आपका? सर मोहित नाम मेरा। मोहित जी मुझे बताइए आज कौन सा दिन है और कौन सी क्लास चली? सर आज फर्स्ट डे है मेरा एशिया टेलीकॉम में। आपका फर्स्ट डे? हाँ जी सर। क्या क्लास थी आज? मेरी कंपोनेंट और रजिस्ट्री की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास? हाँ जी। मुझे बताइए आज क्या क्या पढ़ाया गया आपको? आज थ्योरी पढ़ाई गई है।
जी रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर, तो मुझे बताइए अभी आपको कोई सभी उसको ट्रेसिंग करने में या फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों दिक्कत नहीं आ रही सर समझाए? मनोज कुमार शर्मा बिहार से हूँ। मनोज कुमार शर्मा जी मुझे बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? आज कंपोनेंट का फर्स्ट डे था। कंपोनेंट वन की क्लास जी और आपका फर्स्ट डे भी है जी जी। मुझे बताइए आज जो पढ़ाया गया समझ में आया आपको? पूरा समझ। क्या क्या बताया गया बताइए थोड़ा आप। आज कंपोनेंट के बारे में बताया गया जी। कंपोनेंट में क्या क्या बताओ ना। रजिस्टर कैसे चेक करेंगे, रजिस्टर कैसे चेक करेंगे, वो सीरीज में लगा कि पैरेलल लगा है, पैरेलल में लगा है, यही सब बस। और थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे बस? तो डायग्राम उठा के ढूंढेंगे या विदाउट डायग्राम? विदाउट डायग्राम। कितने मिनट में ढूंढ पाएंगे? दो मिनट में। दो मिनट में जी। तो मुझे बताइए आज का जो क्लास होगा उसमें कोई आपको डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा भी क्यों डाउट नहीं है? इसलिए इतना अच्छा समझाया है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। देव सर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मेन वही है जी, जी। जो आपको पढ़ाया गया आप उसी का प्रैक्टिकल। तो आज ही बस कराएं या फिर यहाँ पे डेली कराएंगे? डेली कराएंगे कि? कराते हैं डेली। डेली कराते हैं जी। तो मुझे बताइए थ्योरी का अलग सर है, प्रैक्टिकल का अलग सर है जी। देव सर है थ्योरी समझाते हैं अच्छा से जी जी। एमडी सर है प्रैक्टिकल कराते हैं पूरा दिमाग में एकदम घुसा के। दिमाग में एकदम पूरा फिट हो गया पूरा से। चलिए ठीक है थैंक यू। घुस देगा देगा जी क्योंकि पढ़ाने वाले में दम रहना चाहिए है कि नहीं? दम है। समझाने वाले में यस सर। तो मुझे बताइए अभी आपको जो पढ़ाया गया आप उसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा होता है थ्योरी? प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है जो थ्योरी दिया जाता है उसी का आप प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे जब ही समझ में आएगा ना। एमडी सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि देखने से तो आप घर बैठे भी देख सकते थे। ओके ओके है कि नहीं? मगर जो यहाँ पे आपको बताया जाता है उसी का आप तुरंत अपने हाथों से प्रैक्टिकल करते यस, हैं यस। तो अभी कोई सभी डाउट बचा है क्या आपका? नो सर नो सर। आज का क्लास पूरा क्लियर आपका? बहुत बढ़िया इजीली तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। चलिए ठीक है थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम है, मैं बिहार से हूँ और मेरा आज पहला डे था देव सर के साथ क्लास। जो कि कैसा तो नहीं कोई डाउट है आपको? नहीं कोई डाउट नहीं, इसलिए कि देव सर का जो बताने का जो इतना अच्छा क्वालिटी से बताते हैं वो बिल्कुल एकदम डीपली के साथ बताते हैं और देव सर का बताने का बहुत ही टेक्निक हमको बहुत ही अच्छा लगा जी, जो कि और सब सर नहीं बता पाएंगे ऐसा इतना हमको लग रहा विश्वास है क्योंकि बहुत सारा वीडियो हमने देखा लेकिन ऐसा नहीं बताते। बिल्कुल एकदम लैंग्वेज जो बताते हैं हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही बढ़िया एकदम बताते हैं। तो यही वही सब देख के आए हैं आप? जी वही देख करके आया हूं और देव सर का पढ़ाने का बहुत ही टेक्निक अच्छा है, थ्योरी भी बहुत अच्छा बता रहे हैं वो और उसका थ्योरी का आज जो है दो पार्ट्स का जो बताया है उन्होंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का उसका मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो करा रहे हैं यहाँ पर जो एमडी सर है वो बहुत ही अच्छे से तरीका से और डीपली में जा करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से एकदम बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट चेक किया जाता है, कैसे लीकी चेक किया जाता है, उसके बाद जो है पैरलर में कैसे रहता है, सीरीज में कैसे रहता है, वो सारा चीज़ एमडी सर उसको डॉट को क्लियर करते हैं फिर दोबारा और हम लोग को प्रैक्टिकल कराते हैं। चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में से आपको कोई सा भी डाउट है क्या? अभी कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलिए ठीक है थैंक यू। इस समय हम लाइव है और हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। तो ये बताइए मुझे कि मैं आपको पढ़ाने के बाद लाइव आया हूँ ना? यस सर। पढ़ाने के बाद तो अब इंडिया में किसमें दम है कि जो पढ़ाने के बाद पहली दिन की क्लास के बाद आपके साथ में लाइव आ सके सारे स्टूडेंट के साथ है किसी में दम? नहीं सर। हम क्यों आ रहे हैं लाइव? क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, हमने आपको सिखाया है। तो पांच से ज्यादा बार सवेरे किस किस ने रिबोलिंग किया है? सबने की। उसके बाद किन के साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी। देव सर के साथ क्लास का जो देव सर का नॉलेज था वो किस लेवल का था? मतलब यूट्यूब वाला नॉलेज था क्या आपको? उससे ऊपर हो गया मिला? उसके ऊपर मिला। तो जो नॉलेज है वो नॉलेज किस लेवल का? एशिया टेलीकॉम के टीचर्स का। अच्छा, उसी का प्रैक्टिकल किया? किस किस ने प्रैक्टिकल किया? लाइव मेरे सामने बैठ के किस किस ने करा? हमने किया है। रिजल्ट मिले हमको? कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? हमारी कंपोनेंट वन की क्लास आज है, टू की कब होगी? कल होगी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एशिया टेलीकॉम मतलब? एशिया टेलीकॉम मतलब? थैंक यू। सो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है
एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप तीसरे चौथे दिन में आपने सीपीयू एमएमसी पावर सब लगा कर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाए ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको एमएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है जो सीपीयू चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।